हेलो फ्रेंड्स, आई एम डाइटिशियन स्मिता सिंह। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेट रिड्यूस किन किन कारणों से नहीं हो पाता, या हम बहुत कोशिश करते हैं फिर भी हमारा वेट कम नहीं होता। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कारण हैं जो हमारा बॉडी एक पॉइंट पे जाके स्टक हो जाता है और वेट कम नहीं कर पाता है। वही रीजंस और ये कारण्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें पहले कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी इसमें। तो पहला पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेवल में जब आप होते हो या डिप्रेशन में आप होते हो तो आपका वेट रिड्यूस नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो हमारे मूड को और हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर हमारा बॉडी में कॉर्टिसोल की मात्रा ज़्यादा होती है तो किसी भी आप कोशिश कर लो, कोई भी कोशिश करने के बाद भी आपका वेट रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो इसको आप पहले मेंटेन करो कॉर्टिसोल को, फिर आप उसे आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है एसिडिटी। एसिडिटी भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है वेट रिड्यूस करने में, क्योंकि जब एसिडिटी होती है तो हमारा सेल जो है एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होने के कारण ऑक्सीजन सेल के पास नहीं पहुंच पाता और वो फैट सेल को नहीं तोड़ पाते हैं। जब फैट सेल नहीं टूटते हैं तो हमारा वेट रिड्यूस भी नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ा रीजन है एसिडिटी का। एसिडिटी होने से हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो पाता है। इसके लिए आप जिसको भी एसिडिटी है, आप रात में एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच अजवाइन पानी में दे के उसको एक गिलास पानी में डाल के फूलने के लिए दे दीजिए और सुबह खाली पेट उसको ले लीजिए। तीसरा रीजन आप जानिए। तीसरा रीजन, हमारे बॉडी में अगर इंसुलिन की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा है या उसका इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो भी हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो पाता है। जैसे आप बेकरी के कोई भी सामान खाते हो या मैदा खाते हो या स्वीट खाते हो, तो इसके कारण हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ता है, इसका इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने लगता है, और ये इन्फ्लेमेशन हमारे मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करता है, ये मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। इंसुलिन अगर ब्लड में ज़्यादा होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा। अगर मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो वेट रिड्यूस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए बता रही हूँ कि आप वेट रिड्यूस अगर करना चाहते हैं तो मैदा, बेकरी, बिस्किट, जितने भी बेकरी के सामान हैं उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। स्वीट को एकदम त्यागना पड़ेगा, ना के बराबर स्वीट लेना पड़ेगा, तो ही आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अभी फोर्थ रीजन है आप एक्सरसाइज। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम में आपको किसी भी तरह से एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज करने से हमारे फैट सेल बर्न होंगे, और जब हमारे फैट सेल बर्न होगा तो अपने आप वेट रिड्यूस कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नींद नहीं आना। अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती, आप पूरे दिन वर्क करते हो और रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं, आप अपने बॉडी को ठीक से आराम नहीं दे पाते हैं, फिर तो भी आपका वेट रिड्यूस नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको नींद बहुत ही ज़रूरी है। भगवान ने हमें रात दिया है इसी के लिए कि हमारा बॉडी रिलैक्स करे और हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब आराम से वर्क करें, और वो नेक्स्ट सेल, नया सेल बनाते हैं, डिटॉक्सिक करते हैं, तो उन्हें आराम की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारा बॉडी आराम करेगा तो हार्मोन बैलेंस रहेंगे। अगर हम मेरी नींद गड़बड़ हो जाती है तो उससे हार्मोन भी हमारे बैलेंस नहीं रहते हैं, और अगर एक भी हार्मोन हमारा बैलेंस बिगड़ा तो हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम ही चेंज हो जाता है। इसलिए नींद बहुत ही ज़रूरी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट अगर आप सही से बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके वेट रिड्यूस करने में।
पीछे का मैं एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको मैं बताई थी कि किस तरह से आपको अपना कैलोरी कैलकुलेट करना है, किस तरह से अपना BMI निकालना है और उस BMI के आधार पे आप किस तरह से अपना कैलोरी मेंटेन कर सकते हैं और कितना आपको फैट में डालना है, कितना आपको कार्बोहाइड्रेट में डालना है और कितना आपको प्रोटीन लेना है, उसमें मैं पूरी तरह से बताई हूँ। अगर आप नहीं देखें तो मैं इस लिंक को शेयर कर दूंगी और आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। तो अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसके साथ में लेते हैं, एक अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन आप लेते हैं, फैट लेते हैं, तो आप ये स्लो प्रोसेस से अच्छी तरह से अपना डाइट के द्वारा और एक्सरसाइज थोड़ा करके आप आराम से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह का शेक, किसी तरह का फास्टिंग, किसी तरह का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपना वेट को कम कर सकते हैं और ये लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा आपका। आपने किसी के पास गई और आपको बोला कि आप प्रोटीन डाइट पे चले जाइए, आप स्मूथी में चले जाइए, आप कीटो डाइट ले लीजिए, इससे क्या होगा ना, आपको कुछ समय के लिए आपका बॉडी वेट कम हो जाएगा, लेकिन फिर से आप कितना दिन तक आप प्रोटीन पे रहिएगा, फिर तो आप उसी दाल चपाती और राइस में जाना है आपको, क्योंकि इंडियन डाइट हमारी वही है। तो उसी इंडियन डाइट को फॉलो करके ही हम वेट रिड्यूस क्यों ना करें, और ये एक अच्छा प्रोसेस है हमारे लिए, ना कि हम किसी प्रोटीन के लिए किसी टैबलेट के द्वारा या कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है उसके द्वारा आप वेट रिड्यूस करके कुछ देर के लिए आपका 5 किलो या 6 किलो कम हो भी जाता है, लेकिन फिर से आप अपना डाइट पे अगर आते हैं तो वो पहले से भी ज़्यादा आपका वेट बढ़ जाए। अभी नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ लेडीज़ के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका PCOD प्रॉब्लम है या पीरियड का प्रॉब्लम है तो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस रहता है। जब हमारा हार्मोन बिगड़ जाता है तो हम किसी भी तरह से अपना वेट रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो हमें पहले अपना PCOD को ठीक करना पड़ेगा, हमें अपना हार्मोन का टेस्ट करवाना चाहिए, फिर हम अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होता है कि PCOD प्रॉब्लम होने के बाद उसका वेट कम बहुत ही कम होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अगर आप इस चीज़ को समझ लीजिए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये चीज़। तो मैं ये कुछ पॉइंट बताई हूँ, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।